सो हे गाइज, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। सो गाइज, ये व्लॉग जो आ रहा है, यार मेरे होम टाउन से, पौड़ी गढ़वाल घुन्ना से। एक्चुअली मैं देहरादून से यहाँ आया हूँ थोड़ा सैटरडे संडे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम हैं अपने गाँव में, एंड मीनवाइल आप ये जस्ट व्यू इन्जॉय कीजिए घर से। सो गाइज, ये है पूरा मेरा गाँव, एंड सामने आप देख पा रहे हो पूरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, राइट। एंड गाइज, ये है मेरा पूरा गांव, एंड पूरा चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है। एंड अभी हल्की हल्की बारिश, लाइक कल से यहाँ बारिश हो रही है, अभी तो कम हो गई है, इसकी वजह से पूरा ऐसा व्यू आ रहा है। सो गाइज, नाश्ता हो गया, अब मैं आपको मेरा पूरा घर एंड आजू बाजू क्या है वो पूरा दिखाता हूँ। एक्चुअली आप पीछे देख पा रहे हो पूरी खेती है, क्योंकि गाँव में मोस्टली खेती ही इंपॉर्टेंट है, लोग खेती पर ही डिपेंड करते हैं। अभी थोड़ा कम हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली अब तो रोड्स आ गई है, तो सब बाहर का ही खाना, मतलब दुकान से राशन वासन लेके आया था, बट स्टिल लोग खेती करते हैं। मैं आपको दिखा तो हम लोग ने क्या क्या यहाँ पे खेती की हुई है। तो एक्चुअली घर से जस्ट नीचे ही हमारा एक खेत है, जिसमें हमने ये पूरे आप देख पा रहे होंगे, तो ये है मक्का, लाइक आपका भुट्टा, कॉर्न आप बोल सकते हो, तो पूरे हमने कॉर्न बोया हुआ है इसमें। एंड यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ भी है, एंड यहाँ पे ना सब्जियाँ भी लगी हुई है, अभी उसके अंदर छुपी हुई हैं, बट सब्जियाँ भी काफ़ी लगी हुई है। ये जो आप पत्ता देख रहे हो, ये अरबी है, ये अरबी की भाजी अगर आपने खरीदी तो ये अरबी है, अरबी भी बोई हुई है, दो तीन जगह बोई हुई है। एंड ये यहाँ पे दाल बोई हुई है हमने, ये पूरे नीचे आप देख पा रहे हो, ये पूरी दाल बोई हुई है। एंड अगेन एक और अमरूद का पेड़ है, एंड सामने जो आप ये पेड़ देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये हमारे अखरोट के पेड़ हैं, ये और ये अखरोट के पेड़ हैं, एंड अभी और पेड़ लगाए हुए हैं, सो लेट्स सी कब तक होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये पूरी मिर्ची बोई हुई है, ये सारी मिर्ची, एंड मिर्ची के साथ यहाँ पे भिंडी, लाइक गांव में बस ये चीज़ अच्छी है कि हम लोग पूरी जो सब्जी है वो घर की उगा के खाते हैं, और मानसून के टाइम पे तो मार्केट से सब्जी वब्जी लेके आते नहीं हैं। ये हमारे यहाँ इसको चचिंडा बोलते हैं, आप लोग क्या इसको क्या बोलते हैं आप प्लीज़ कमेंट में बताना। यहाँ पे हमारा एक कटहल का पेड़ है, जिसपे कटहल लगे हुए हैं, एंड यहाँ बाजू में हमने यस गेहूं बोए हुए हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये पूरा अपना मतलब घर के सामने का व्यू है। और अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी बेल टाइप की ये जो जा रही है, ये बड़े पत्ते, ये है कद्दू की बेल, ये इस पर अभी थोड़ी देर में कद्दू आएंगे, एंड इवन हम लोग कद्दू का जो पत्ते होते हैं उनकी भाजी, सब हरी सब्जी बना के भी खाते हैं। एंड यहाँ पर हमारे बैंगन वैंगन भी हो चुके हैं, राइट। एंड अभी एक नया अमरूद का पेड़ हो रहा है, और यहाँ पे पूरा ना एलोवेरा का झाड़ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ना एलोवेरा ही एलोवेरा फैला हुआ है। सो गांव की बस ये लाइफ अच्छी है कि हर चीज़ें आपको मतलब फ्रेश मिलेंगी, मिलावट विलावट नहीं मिलती है। एंड बाकी ये तो आप देख ही पा रहे हो घर के आगे का व्यू पूरे पहाड़ से ढका हुआ। सो गाइस, आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं हम, आपको लाइव दिखा रहे हैं कि अखरोट कैसे तोड़ते हैं। हम एक्चुअली जा रहे हैं अभी अखरोट तोड़ने के लिए, सामने हमारा अखरोट का पेड़ है, तो अभी मैं और मेरे पापा जा रहे हैं अखरोट तोड़ने के लिए, दिखाते हैं आपको अखरोट कैसे होते हैं और तोड़ते कैसे। सो गाइस, ये पहला घर है, ये हमारा घर, एंड जस्ट रोड के बाजू में ही है, अब तो रोड आ गई है, बट पहले बहुत इशू आते थे यार, लाइक हमको 3-4 किलोमीटर नीचे जाके सामान वामान लेके आना पड़ता था, राशन बोल लो आप, इवन पानी के लिए अभी भी हमको ऊपर जाना पड़ता है पानी के लिए, तो ऐसा घर पे पानी नहीं आता, थोड़ा दूर जाके पानी लेना पड़ता है। सो गाइस, फाइनली हम आ गए अखरोट के पेड़ के नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ अखरोट एक्चुअली में दिखता कैसा है। सो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, तो अखरोट में एक शेल बाहर से होती है ग्रीन कलर की, अभी तोड़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं इनको। एंड ये पूरे उस पर देखिए अखरोट अखरोट लगे हुए हैं, पूरा पेड़ एकदम अखरोट से भरा हुआ है, मैं फिर भी एक तोड़ के आपको दिखाता हूँ। सो ये है अखरोट, एक्चुअली ये शेल देख रहे हो, शेल के औषट ये बाहर निकल गया, शेल से निकल के, एंड ये आपका अखरोट हो गया। एंड अभी फिर इसको तोड़ के आपको अंदर की गिरी इसकी निकालनी पड़ेगी खाने के लिए, ऑब्वियसली मोस्टली ऐसा रहता है पूरा ग्रीन, एंड इस पर फिर जैसे दरार पड़ती है तो हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अभी तोड़ते हैं और पूरे पेड़ आज खाली करेंगे।
ये देखिए पेड़ पे कुछ ऐसे लगे होते हैं, एंड फिर इस शेल को ब्रेक करना है, देन आपको अखरोट मिलेगा अंदर से। वेल अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तब तक के लिए आप ये व्यूज़ एंजॉय कीजिए।